This conference will now be recorded. चलिए मनीष आ गए। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है ये पूरा का पूरा जो हमारा सीरीज चलने वाला, पहली बार जैसे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग छोटी से छोटी चीजें भी सीखने वाले हैं। तो एक तरीके से ना केवल इसमें आपका ग्रोथ है, इसमें मेरा भी ग्रोथ है। क्यों ग्रोथ है भाई? क्योंकि कभी भी सिविल इंजीनियरिंग तो फिनिश नहीं होती, आप सबको पता है, इतनी बड़ी इंजीनियरिंग है। ठीक है, लेकिन उसमें से ऐसा क्या है, गुड मॉर्निंग वर्मा, गुड मॉर्निंग, ऐसा क्या है कि जो हमें ऐसा बना दे कि हम आराम से किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते। इस कोर्स का हमारा एम क्या है? इस कोर्स का एम है कि G+2 की बिल्डिंग को डिजाइन करने में कितना कम से कम समय लगाया जा सके जिससे कि वो डिजाइन हो जाए। ठीक है, अगर वो स्टेटो से डिजाइन हुआ है तो हम जल्दी से जल्दी चेक कर सके, और अगर वो एक्सेल से हुआ है तो हम फास्ट क्विक चेक कर सके कि भाई ये सही है कि गलत है, और मैनुअल उसके बैकग्राउंड का काम करेगा। जस्ट लाइक कि जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनता है, तो अभी आप जिस हम लोग गो टू मीटिंग से पढ़ रहे हैं, तो गो टू मीटिंग का जो बैकग्राउंड है उसकी कोडिंग की जाती है। अब डेफिनेटली हमें तो 2 मिनट लगा इसको गो टू मीटिंग क्लिक किया और फटाफट आ गए, बट कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग हुई होगी कि आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, और उसके बाद लेक्चर अटेंड कर रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल है? तो इसके पीछे का प्रोसेसिंग क्या है? दैट इज कॉल्ड मैनुअल। अब वो कोडिंग जो होती है, सपोज अगर वो .NET पर कोडिंग हुई है, तो उस कोडिंग के लिए क्या क्या हमको आने चाहिए? ठीक है, तो अगर .NET की कोडिंग की बात करें तो उसमें हमें लूप आना चाहिए। ठीक है, लूप के अलावा जो इंपॉर्टेंट होता है वो फ्रेम्स आने चाहिए, फ्रेमवर्क आने चाहिए। ठीक है, सी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब जाके उसके बाद हमें आना चाहिए कि हम लोग चार्ट कैसे, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ। अभी जो सी का भी बैकग्राउंड है, मैं तो भूल गया काफी कुछ, तो वो बैकग्राउंड लेके फिर क्या होता है, गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर जनरेट हुआ है। ऐसे ही हमारा लोग का बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, ठीक है, जिसको डिजाइन करने के लिए पहले उसका बैकएंड आना चाहिए आपको। बीम होता क्या है, कॉलम होता क्या है, स्लैब होता क्या है। ठीक है, तो देखो हमारा पहला ही टॉपिक क्या है, पहला हमारा टॉपिक है, अब आप सबको जैसे किसमें से कई लोग तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट ही है, तो कुछ न्यू स्टूडेंट है जो कि आज से ओल्ड बनेंगे, तो ओल्ड मतलब बूढ़े नहीं बनोगे, ठीक है, ओल्ड मतलब पुराने स्टूडेंट बनोगे हमारे। तो क्या बोलते हैं, आप सबको जो भी क्वेश्चन पूछना रहेगा, एक तो आपके पास चैट बॉक्स है, ठीक है, चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्लस जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको आंसर करना है। ठीक है, ये पूरा जो सीरीज है ना, ये आंसर बेस्ड सीरीज है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये सबसे बेस्ट सीरीज हो, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, मेरी हर एक क्लास यूनिक हो। लेट्स सी, तो आपको आंसर करते रहना है, क्वेश्चन पूछते रहना है कमेंट के द्वारा। अगर वो क्वेश्चन कमेंट के द्वारा पूछना पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है, तो आप माइक के लिए बोल देना, सर माइक ऑन कर क्या, अगर उसमें पॉसिबल होगा तो आप ऑन करके पूछ लेना। प्लस क्लास के बाद मैं क्या बोलते हैं, हमारी 1 घंटे की पूरी क्लास रहेगी, तो उसमें भी आपको लास्ट के 10 मिनट में आपको दूंगा, तो बीच में कुछ भी आपको डाउट आते हैं जो कि आप पूछ नहीं पाए थे, आप लिखते जाओ। तो लिखते जाओगे तो क्या होगा, लास्ट के जो 10 मिनट होगा उसको 10 मिनट लीजिए आप, 15 मिनट लीजिए, सब आपके ऊपर है। ठीक है, लेके आप क्वेश्चन पूछिए, तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो मुझे भी मजबूर करे कि मैं भी घर पे जाके उसको पढ़ूं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी आदत हो जाएगी, तो एक टीचर का ग्रोथ होता है उसके अंदर, प्लस आपका तो बहुत ज्यादा होता है। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है मेरा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे स्टार्ट हो रहा है, मेरे से नहीं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक नीड टू कवर बिफोर मैनुअल कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने बोला कि गो टू मीटिंग को सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पहले लूप लगेगा, उसके बाद उसमें फ्रेमवर्क्स लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट, उसके बाद उसमें जो भी अलग अलग फ्लोचार्ट वगैरह बनेंगे। ऐसे ही आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक नीड टू कवर बिफोर मैनुअल कॉन्सेप्ट। मैनुअल कॉन्सेप्ट आने से पहले आपके माइंड का क्या थ्योरी बोलता है कि क्या क्या चीजें हमें आना चाहिए, कमेंट करो यहाँ पर। पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कमेंट करो यहाँ पर सभी लोग कि आपको क्या लगता है कि मैनुअल आने से पहले उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है, आपको जो लगता है डू कमेंट, कमेंट बॉक्स आपके पास है। वेरी गुड, सिद्दीकी ने किया है, ऑल लोग, आई वॉन्ट फ्रॉम एवरी वन, सो ट्राई टू डू एवरी वन। ओके,
वेरी गुड, बिलाल ने भी बोला है वी शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, वेरी गुड। जय पटेल भी आ गए हैं और लोग भी करो, आई वॉन्ट फ्रॉम एवरी वन सो दैट कि आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी चैट करने की, चैट मतलब गर्लफ्रेंड से तो करते होगे, यहाँ पर भी करो तो क्या बोलते मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पॉजिटिव वे में टाइपिंग करना आएगा। चलो अंडरस्टैंडिंग लोड एक्शन, वेरी गुड नितेश ने बोला है। चिरोता बोल रही है कि टाइप ऑफ लोड, वेरी गुड करेक्ट। असीम बोल रहे हैं बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रेस SFD BMD, एक्सीलेंट। नो अबाउट IS कोड्स, करेक्ट। असीम वर्मा बोल रहे हैं लोड, या अभी भी कुछ लोग बचे हैं प्लीज कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो। कैलकुलेशन ऑफ लोड, देखो कितनी चीजें निकल के आ रही है, वी हैव टू नो SFD BMD, वेरी गुड। ललिता बोल रही है और अभी और लोग बचे भाई 18, हम लोग 16 लोग हैं इस समय। SFD BMD इन्होंने बोला है, उसके बाद बोला है इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल व्हिच वी यूज, वेरी गुड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। चलिए ठीक है जी, और भी जिसको माइंड में आ रहा है कुछ आप भी कमेंट कर सकते हो, और मैक्सिमम लोगों ने कवर कर दिया है काफी कुछ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एक्सीलेंट। अभी भी कुछ चीजें छूट रही हैं, आप लोग काफी कुछ सही जा रहे हो, बट अभी और भी बहुत से टॉपिक हैं जो कि छूट रहे हैं आपको आने के लिए। डिजाइन ऑफ स्लैब बीम ऑफ फुटिंग, भाई वो तो है ही, वो तो डिजाइन तो आउटपुट है ना रोहित, आउटपुट है वो, आउटपुट के पहले का बैकग्राउंड। यस नितेश ने एक अच्छा टॉपिक लिया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज, एक्सेलेंट। चलिए लगभग सबने अपने अपने व्यूज दिए हैं कि क्या क्या हमें बिफोर क्या बोलते हैं टॉपिक आने चाहिए, ठीक है। एक चीज का ध्यान देना, ठीक है, अभी आज फर्स्ट डे है तो कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी आपको, बट आगे से ठीक है। वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, एक्सेलेंट। सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, करेक्ट। तो आगे से ध्यान देना कि क्लास में आप लोग टाइम से आओगे तो आपका ही फायदा होगा, बीच में आओगे तो हम कहीं बीच में अटके रहेंगे डिजाइन के टाइम पे, और वो आपकी पूरी की पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। जैसे लव स्टोरी अगर अधूरी रह गई तो गड़बड़ होता है, वैसे अगर यहाँ वाली लव स्टोरी गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है जी। तो कोशिश करना कि 7:30 पे ही आ जाओ, ठीक है, और ठीक है कभी एक दो दिन का चलेगा, बट डेली का मत सोचना, ऐसे नहीं तो फिर आपको पूरा लेक्चर आपका खराब होगा, एक घंटा आपका टाइम जाएगा। स्ट्रेस सिस्टम, वेरी गुड, ठीक है। आप सबने जितने टॉपिक लिखे लिखे यहाँ कमेंट बॉक्स में, एक्सीलेंट टॉपिक थे, और ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर वो सारे टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं जो जो आपको आने चाहिए, ठीक है। अब आप जितने टॉपिक आपने देखा है, इतने टॉपिक को अगर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो पढ़ने में कम से कम मुझे लगता है कि अप्रोक्स 1 month लग जाएगा, राइट। लेकिन उसको हमने काफी हद तक एक PPT के माध्यम से कम करने की कोशिश की है, टाइम ड्यूरेशन कम करने की कोशिश, और प्लस जैसे होता है ना कि अच्छा वाला जो चायपत्ती वो हमने निकाल लिया है, ठीक है, निचोड़ लिया उसको, जो उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो उसको भी, वो भी पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए उसमें आपका भी रोल रहेगा और मेरा भी रोल रहेगा। क्या रोल रहेगा आपका? मेरा रोल रहेगा कि मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपका रोल रहेगा कि जो उसमें सबसे ईजी टॉपिक है, ठीक है, उनको उनकी स्टडी मटेरियल मैं सबका दे दूंगा आपको, ठीक है, उनको आपको घर से स्टडी करना है, ठीक है, और स्टडी करके पूछना है दूसरे दिन क्लास में अगर कुछ नहीं समझ आता, क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो छूट जाएंगे, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा मेन टॉपिक पे, आपका मेन फोकस किस पे रहेगा? आपका मेन फोकस रहेगा जो क्या बोलते हैं छोटे टॉपिक है, जो इजी टॉपिक है, उनको आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो, नहीं समझ आता तो दूसरे दिन आ जाओ, ठीक है। प्लस आप सबको पता है कि हम लोग 10:30 पे ऑनलाइन आते हैं, जैसे सबको पता है, तो डाउट लेक्चर भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, GKS भी आ गए। चलिए तो क्या क्या टॉपिक जो आप लोग ने बोला उसमें से मुझे क्या क्या लगता है कि इम्पोर्टेंट है और क्या क्या एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है वो देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है IS कोड इम्पोर्टेंट की पॉइंट, ठीक है। बिना IS कोड के तो आपका डिजाइन संभव ही नहीं है, ठीक है, यू डोंट नो कि कैसे एक्सेस करना है, ठीक है, मतलब कि अगर आपको ये नहीं पता है कि बिस्किट खाते कैसे हैं, तो फिर आप बिस्किट से नई नई चीजों को कैसे जनरेट करोगे। तो यहाँ पर हमें IS कोड का इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स, ठीक है, क्यों? कहीं पर किसी टाइप का चीज रहेगा, कहीं पर किसी टाइप का रहेगा, मतलब सपोज अभी कॉलम की बात करो,
कहीं पर कुछ अलग टाइप का कॉलम होगा, कहीं पर कुछ अलग टाइप का कॉलम होगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे यार ये कौन सा कॉलम है, अच्छा ये कौन सा कॉलम है, ये एक्सेल लोडेड है कि ठीक है बेस्ड ऑन सेफ, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ तो ये एक्सेल लोडेड कॉलम है कि बाईएक्सियल है, रेनफोर्समेंट लगा है तो ये कौन सा कॉलम है, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज आपको टाइप्स ऑफ कॉलम क्लियर होनी चाहिए, दूसरी चीज सॉरी तीसरी चीज आपको टाइप्स ऑफ बीम क्लियर होना चाहिए, किस तरह की बीम है वो। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है कि कंटिन्यूअस बीम है, तो वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है, जिसको आप हिंज सपोर्ट बोलते हो, कौन सा सपोर्ट है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए हमें। इसके साथ ही साथ आप सबको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ स्लैब। ठीक है, अब कई लोग देखते हैं स्लैब को कंफ्यूज रहते हैं, ये कौन सा स्लैब है, कैंटिलीवर है कि वन वे है कि टू वे। जनरली काफी लोगों को जो जिन्होंने अपना एक ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कर लिया होगा उनको पता रहता है, बट कभी कभी वो कंफ्यूज रहते हैं। आप में से भी कई लोग होंगे ठीक है जिनको पता नहीं चलेगा, बट वो कंफ्यूज होंगे अभी भी कि यार वन वे स्लैब कौन सा होता है, ग्रेटर देन टू होता है कि लेस देन टू होता है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज रहते हैं जो ऑलरेडी कॉलेज में होंगे, तो बहुत ज्यादा रहते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लोड्स, ठीक है, डेड लोड क्या है, लाइव लोड क्या है, डेड लोड के लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे डेड लोड के लिए हमारा ये आईएस कोड होगा कि अच्छा लाइव लोड के लिए, विंड लोड के लिए, सिस्मिक के लिए कौन सा आईएस कोड है। ठीक है, तो लोड को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये सारा चीजें भी आपको आना चाहिए कि लोड को कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, और उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नॉलेज, बेसिक सोम का नॉलेज होना जरूरी है भाई। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है, इल्ड पॉइंट क्या होता है, अगर ये सब नहीं पता है तो करेक्ट, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट सही बोला इन्होंने, तो ये सब नहीं पता है आपको, तो आपको पता ही नहीं चलेगा एलएसएम क्या होता है, डब्ल्यूएसएम क्या होता है, और एलएसएम डब्ल्यूएसएम नहीं पता है तो हमारे कोर्स को पढ़ने का फायदा ही क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें टाइप्स और बेसिक स्ट्रेंथ मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद आपको एक टॉपिक आप लोगों ने नहीं लिखा था, वो टॉपिक था कवर। ठीक है, कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर कितना कवर लेना, क्योंकि कवर अगर सही नहीं लेंगे तो डेप्थ आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, तो आपको कवर के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पर क्या कवर लगता है। ठीक है, आपको डेंसिटी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि किस मटेरियल की क्या डेंसिटी होती है। आप लोगों से डेंसिटी का क्या काम है, तो भाई अगर लोड कैलकुलेट करोगे बिना डेंसिटी का लोड कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या, अगर किसी को लगता है तो बता सकते हो, डेंसिटी के बिना हम लोग कवर करें, तो डेंसिटी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके बाद है एसबीसी, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी नहीं आपको पता है तो आपका फुटिंग का पूरा का काम ही खत्म, फिनिश, खलास। ठीक है, तो वो एसबीसी क्या बोलते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन से प्लेस का क्या है, और अगर नहीं पता है तो आप नेट से कैसे पता करोगे, या फिर क्या बोलते हैं दूसरे सोर्सेस क्या क्या है बता दूंगा। ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन का क्या रोल है, ठीक है, आपका मिक्स प्रोपोर्शन बहुत बड़ा रोल पता करता है। ठीक है, क्या अगर आपको किसी को भी एस्टिमेट करना है, ठीक है, बिना मिक्स प्रोपोर्शन के तो आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, अगर आपको पता ही नहीं कि इंग्रेडिएंट क्या क्या मिले हुए हैं तो आप कैसे बताओगे कि 1 केजी आलू है, 2 केजी प्याज है, क्या है, कैसे पता चलेगा, सब्जी बन गई ना, उसके बैकग्राउंड में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ है वो क्या हुआ है, तो मिक्स प्रोपोर्शन से ही पता चलेगा। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आप लोगों ने निकाला होगा बट पता नहीं रहता है, व्हाई वी फाइंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालते क्यों हम लोग, तो शियर फोर्स के निकालते हैं जिससे कि हम शियर फेलियर को रोक सके, ब्रेक कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्यों निकालते हैं, जिससे हम फ्लेक्सुरल फेलियर को रोक सके, क्या कर सके भाई, फ्लेक्सुरल फेलियर को रोक सके। ठीक है, तो ये क्यों निकालते हैं और ये कैसे होता है फ्लेक्सुरल फेलियर, कैसे होता है शियर फेलियर, ये भी हम लोग आगे के एपिसोड्स में देखेंगे, आगे देखते हैं। चलिए, ये तो कुछ टॉपिक है जिनको हम यहीं पर छोटे छोटे हैं जिनको कवर कर सकते हैं, बट ये टॉपिक को मैं इसी पीपीटी में नहीं दिखा सकता, उसके लिए सेपरेट पीपीटीज है। ठीक है, जिनको आपको देखना है एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, आपको घर पे बैठ के रिविजन करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, लोड के बारे में, बीम के बारे में, फुटिंग के बारे में, सपोर्ट का, सब के बारे में आपको मैं कंटेंट दे दूंगा, पढ़ना है, और प्लस जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चलिए, इसे कवर है, अब कवर तो मैक्सिमम लोगों को सबको पता होगा, ठीक है, अगर नहीं पता है भाई बहुत गलत बात है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, फुटिंग आपका कवर सबको पता होगा,
और ये क्लियर कवर होता है, आपको पता है ना क्लियर कवर, ठीक है। राफ्ट फाउंडेशन का टॉप का कितना लेते हैं, 50 लेते हैं, बॉटम एंड साइड का कितना लेते हैं, 75 लेते हैं। स्ट्रैप बीम क्या होता है? अच्छा, स्ट्रैप बीम की डिफिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा? स्ट्रैप बीम की डिफिनेशन, डिफिनेशन मतलब क्या होता है स्ट्रैप बीम, कमेंट बॉक्स में बताओ, स्ट्रैप बीम के बारे में बताओ कोई। ठीक है, ग्रेट स्लैब का कितना, 20 लेते हैं, कॉलम का कितना लेते हैं, 40, बताते जाओ जिसको आता है। ठीक है, ठीक है, शियर वॉल 25, करेक्ट, बीम्स और यहाँ पर 25, स्लैब का 15, फ्लैट स्लैब का, करेक्ट, और फ्लैट स्लैब का 15, और उसके बाद स्टेयर केस का 15, रिटेनिंग वॉल का 20, अगर वो अर्थ पे है, ठीक है, अगर वो अर्थ पे रिटेनिंग वॉल रोड के साइड वगैरह पे है तो वहां पे 20-25 का कवर लेते हैं, लेकिन अगर वही रिटेनिंग वॉल डैम वगैरह के पास यूज कर रहे हो तो फिर वहां पर 20-30, मतलब 30 के आसपास कवर ले लेते हैं उसका, तो आपको एक कवर बताना चाहिए। ठीक है, प्रशांत ने बोला है कनेक्टिंग टू फुटिंग, वेरी गुड, और विलाल ने बोला है करेक्ट, विच फुटिंग अनदर फुटिंग, वेरी गुड, राज भी सही बोल रहे हैं, इट्स द टाइप ऑफ फुटिंग विच कनेक्टिंग विथ बीम्स, एक्सेलेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी का मुझे कुछ अच्छा वॉलपेपर नहीं मिला है, थोड़ा थोड़ा ब्लर कर रहा था, आप लोग को दूसरे कहीं से भी देखना होगा देख लेना, बस मेरा इंपॉर्टेंट मोटो क्या है, आपको डेंसिटी आना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे नेट पे मिल गया था, मैंने यही लगा दिया था। तो सीमेंट, आप सबको पता है सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है, सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440, ठीक है, 1440, ठीक है, क्या, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। अब इसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पीसीसी इम्पोर्टेंट है, जिसका कितना होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब, 2400 kg पर मीटर क्यूब। अब कई लोग किलो न्यूटन पूछ लेते हैं तो कई लोग घबरा जाते हैं, तो बोलते हैं किलो न्यूटन में, अरे बाप रे गड़बड़ हो जाता है, तो किलो न्यूटन में क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन में 24 kN पर मीटर क्यूब, 24 kN पर मीटर क्यूब, याद रखना। कई लोग को पूछा जाएगा पीसीसी, पीसीसी का डेंसिटी बताओ, तो उनको लगेगा इतना आसान क्वेश्चन है, वो बोलेंगे 24, ठीक है, और फिर हम कर देंगे इसको गलत, क्यों, 24 के आगे अगर अगर मैंने गलती से लिख दिया सेंटीमीटर, फिर क्या करोगे, ठीक है, तो मस्ट रिमेम्बर द यूनिट, ठीक है, 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और केजी में, ठीक है, माइक सामने कुछ पूछना है पूछ सकते हो, नहीं बंद कर दिया, ठीक है, माइक माइक तभी ऑन करना जब आपको कुछ पूछना रहे, क्योंकि पता है क्या होगा कि आपके माइक ऑन करने से नॉइस बहुत होता है पीछे से, मतलब हर किसी के घर में होता है, इको वगैरह रहता है, तो उससे पूरा जो रिकॉर्डिंग है ये खराब हो जाएगी, ठीक है, और रिकॉर्डिंग आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, ठीक है, बहुमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं हो और अनमोल जिसको बोलते हैं। कंक्रीट, कंक्रीट का कितना होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब, स्टील का कितना होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब, 78.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये ब्रिक का है, ब्रिक का भी जान लो आपको इम्पोर्टेंट होगा, सॉइल का ये है, ठीक है। अब ये अलग अलग जो मटेरियल, इनके ज्यादा हमें यूज में नहीं आने वाले हैं, हमारे क्या यूज में आने वाला है, सीमेंट ज्यादा आने वाला है, आरसीसी पीसीसी स्टील, आपको यही याद यही करना है, मुझे पीपीटी ये मिल गई तो मैंने ये ले लिया, ये स्लाइड ये वाला जो वॉलपेपर है, बट आपको सीमेंट का याद रखना है, आरसीसी पीसीसी स्टील ब्रिक और उसके बाद सॉइल, बस इतने का ही काम है, बाकी वुड स्ट्रक्चर में आप काम करोगे नहीं, वुड स्ट्रक्चर में कहाँ पे काम करते हैं, यूएस वगैरह में ज्यादा करते हैं, इंडिया में बहुत रेयर होता है वुड पे काम, ठीक है, और इंडिया में भी करते हैं थोड़ा बहुत, हिमाचल वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एसी ब्लॉक्स का, ठीक है, एसी ब्लॉक्स में क्या बोलते हैं, उसमें जो ब्लॉक्स है उसके अलग अलग है, 400 से 700 तक उसके डेंसिटीज है अलग अलग, अब उसमें से हमको जो लेना हो हम ले सकते हैं, 700 लेके चलोगे तो ज्यादा, मैक्सिमम लेके चलोगे डेंसिटी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोड के लिए अगर कोई चीज डिजाइन किया है तो मिनिमम का तो कोई चक्कर ही नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये एसबीसी होता क्या है, ठीक है, एसबीसी होता क्या है, कॉलेज में भी पढ़ा होगा और हो सकता है आपने कहीं पे टेस्टिंग वोस्टिंग भी किया हो, तो क्या होता है इसको समझो, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग डिफाइंस द वेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज टू रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड अप्लाइड टू इट, ठीक है, क्या है भाई, सॉलिड ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स है, सॉलिड ब्लॉक का क्या बोलते हैं 1800 के आसपास होता है, अलग अलग का अलग अलग होता है, बट 1600 से 1800 के पास में होता है सॉलिड ब्लॉक का, ठीक है। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग डिफाइन द वेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एज, वो डिपेंड करता है कि ब्लॉक किस चीज का बना रहे हो, ठीक है, जो एरेटेड कंक्रीट का होता है, ठीक है, उसका कम होता है, क्योंकि एरेटेड कंक्रीट को सिल्योर कंक्रीट बोलते हैं, वो हॉलो करके बनाया जाता है, उसके अंदर वॉइड्स भरे जाते हैं तो हॉलो होता है, तो अगर उसका बना रहे हो तो वो,
फ्लाई इसका बना रहे हो तो 1600 के आसपास आएगा, 16 to 1800, ठीक है। और ए रेटेड कंक्रीट का ब्लॉक बना रहे हो तो वो मुश्किल से 700 जाता जाएगा, 700 kg/m³ तक जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस मटेरियल का बना रहे हो। कंक्रीट के अलग अलग टाइप्स है, इतना तो मैं नहीं समय कवर कर सकता, लेकिन कंक्रीट के टाइप्स क्या क्या है अगर आपने पढ़ा होगा कॉलेज में, तो अगर आपको याद हो तो एक तो आरसीसी पीसी तो आप लोग पढ़ते ही हो सब लोग, ठीक है। इसके बाद होता है एरेटेड कंक्रीट जिसको सिल्योर कंक्रीट बोलते हैं। एक और टाइप होता है इसका जिसका नाम है, जो मेरे को अभी कंक्रीट में हम लोगों ने पढ़ा था इसको, तो एक टाइप होता है जिसका नाम था लाइम कंक्रीट, ठीक है। लाइम कंक्रीट था एक, और लाइम कंक्रीट के साथ एक होता है जो कि गार्बेज का होता है, मतलब कि जो गार्बेज वगैरह से बनाते हैं उसको, उसका कंक्रीट होता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के कंक्रीट है, तो उनकी अलग अलग डेंसिटीज होती है। गार्बेज वाले को क्या बोलते थे, जो बोलते थे कंक्रीट में हमने पढ़ा था उसको जब मैं तैयारी कर रहा था। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग डिफाइंस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल लोड, मतलब चेक किया जाता है कि उस वो एक्सटर्नल कितने लोड को बियर कर लेगा, एक्सटर्नल कितने लोड को बियर कर लेगा। थोड़ी दिन पहले मैं पानी पी रहा था, तो पानी के ऊपर अगर हम एक कागज को रखें तो क्या होगा, तो कागज को रखेंगे तो आराम से कागज उसके ऊपर तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं तुरंत, ठीक है। क्यों, क्योंकि कागज का जो वेट होगा वो कम होगा, उसका लोड क्या होगा, कम होगा। इसी तरीके से सॉइल पर देखा जाता है कि सॉइल के ऊपर अगर हम चलेंगे तो कहीं मिट्टी नीचे तो नहीं चली जाएगी। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बारिश के सीजन में, जब रेनी सीजन होता है, तो आप गीली मिट्टी पे जैसे आप पैर रखते हो तो क्या होता है, मिट्टी तुरंत कोलैप्स हो जाती है, राइट। मैं जहां पे पैर रखते हो वहां पे आपका वो बन जाता है कि यहाँ पे आपने पैर रखा हुआ है, आपका चिन्ह बन जाता है आपके पैर का। तो क्या है वो, वहां की बेयरिंग कैपेसिटी उस टाइम के लिए इतनी लूज थी कि हमारे भी लोड को संभाल नहीं सकी, वहां पर क्या हो गया, कोलैप्स होने लगा, ठीक है। तो क्या था वो एसबीसी वहां की चेक हो गई कि भाई हमारा लोड पड़ेगा तो क्या होगा। बट अब जहां पर हमारा पूरा बिल्डिंग का लोड पड़ना है तो वहां तो पूरा चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए दिखाया जाता है रेजिस्ट द एक्सटर्नल लोड, ठीक है। और हाँ प्री, ये भी करेक्ट, प्री स्ट्रेस भी प्री कंक्रीट, ये भी होता है इसका टाइप, ठीक है। एक्सटर्नल लोड अप्लाई टू इट, इन अदर वर्ड्स बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम कवरेज कॉन्टेक्ट प्रेशर बिटवीन फाउंडेशन एंड द सॉइल विच शुड नॉट प्रोड्यूस सीयर फेल्योर इन द सॉइल। मतलब एक अलग वर्ड में देखा जाए तो वो एक तरीके का प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है फाउंडेशन तक, फाउंडेशन से जो प्रेशर जा रहा है सॉइल पर, तो वहां तक जा रहा है कि कहीं पर सीयर फेल्योर ना हो। मतलब सेफ्टी के साथ कितना लोड ट्रांसफर कर सकता है आपका सॉइल, उसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो उस टर्म को बोलते हैं हम लोग क्या, SBC, क्लियर है। बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में, क्लियर करके रखोगे तभी आपके लिए फायदेमंद दवाई होगी, ठीक है जी। एक और टॉपिक है जो आप लोग पढ़ते होंगे सुनते होंगे, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ठीक है, देर आर डिफरेंट मेथड, सब लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं सिद्ध की, ठीक है। SBC है, ठीक है, और ठीक है, सेटलमेंट ऑफ सीयर फेल्योर क्या है, अच्छा ठीक है। इन्होंने पूछा है, दोनों लोग आंसर कर देता हूँ। एक ने पूछा है कि क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी में कौन कौन सा टेस्ट, ठीक है। तो लेबोरेटरी में बहुत ढेर सारे टाइप्स के टेस्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो लेबोरेटरी है उसमें कौन सा टूल है, ठीक है। तो जैसे कि सीमेंट के लिए आपने कई ढेर सारे टेस्ट सुने होंगे, ऐसे ही सॉइल के लिए भी होते हैं, जैसे ट्राई एक्सेल टेस्ट है, ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट है, ठीक है। तो प्लेट लोड टेस्ट में क्या किया जाता है, उसमें 1 kN का लोड लगाया जाता है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है, ट्राई एक्सेल टेस्ट, ये सारे अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं उसमें सॉइल को टेस्ट करने के लिए। तो जिस चीज का आपके पास अवेलेबल टूल है उससे आप करते हो, ठीक है। और कई जगह पे कहते हैं कि कोर का टाइप उसको, मतलब कि नीचे से सॉइल को रिप्लेस करके, सॉइल रिप्लेस करके चेक किया जाता है उसकी SBC। इन्होंने बोला सेटलमेंट ऑफ सीयर फेल्योर क्या है। सेटलमेंट ऑफ सीयर फेल्योर होता है, आपकी बिल्डिंग देखा होगा आपने, अचानक से एक तरफ धस गई है, ठीक है, अचानक से आपकी बिल्डिंग एक तरफ से जमीन में आ गई है। आप सोचते यार ये क्या हो गया मेरी बिल्डिंग को, इमेज दिखाऊंगा तो समझ आएगा। देखो करेक्ट, ये देखो सबसे अच्छा एग्जांपल सेटलमेंट ऑफ सॉइल होगा। तो अगर यूनिफॉर्म सेटलमेंट हुआ तो सबके पूरी पूरी बिल्डिंग आप देखोगे, कई लोगों की बिल्डिंग जमीन में थोड़ी सी चली जाती है, ठीक है, और कई लोगों की बिल्डिंग आप देखोगे तो वन साइड से टिल्ट हो जाती है, वन साइड से टिल्ट हो जाती है इस तरीके से, और कई लोगों की जो बिल्डिंग होती है वो कुछ इस तरीके से क्रैक्स हो जाती है। अब उसका रीजन क्या है, ये कब आएगा, तो
जब इधर की इधर सेटलमेंट नहीं हो रहा, इधर सेटलमेंट हो रहा, ये टिल्ट हो गया, ठीक है, एक साथ ही पूरा सेटलमेंट हो रहा है। और जैसे जैसे हमने पैर रखा, मान लो हमारा पैर ही है, ठीक है, हमने पैर रखा और यहाँ पे रेनी सीजन हुआ था, तो बारिश का सीजन था, जैसे ही रखा तो तुरंत ये क्या हो गया, जमीन के अंदर चला गया। तो क्या हो गया, ये सेटलमेंट हो गया, क्या हो गया, ये सेटलमेंट हो गया, ठीक है। और यही चीज इधर का, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्रैक डेवलप हो गया, क्यों, क्योंकि इधर का तो ठीक था बट यहाँ पर डिफरेंटियल सेटलमेंट था, मतलब अलग अलग थे, तो उसको समझ नहीं आ रहा था, बोला फेल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन पेपर लेते हो ना एग्जाम में, कोई चीज पढ़ते हो, पढ़ते टाइम समझ नहीं आता तो क्या होता है, रिजल्ट ये होता है, थोड़ा समझ में आ गया तो पास तो हो जाते हो बट टेट रहते हो। हाँ अनिल, करेक्ट, चलो समझ आ गया सेटलमेंट, ओके जी, ठीक है। और सॉइल के भी बहुत ढेर सारे टेस्ट है अलग अलग, आप सर्च कर सकते हो। बाकी जो प्लेट लोड टेस्ट वगैरह, ट्राइक्सेल टेस्ट 24 घंटे में करते हैं, उसके लिए भी बड़ा प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, तो आपने पढ़ा होगा जियो टेक्निकल में, 24 घंटे ओवन में रखा जाता है आपके सॉइल को, और उसके बाद उसको पैक किया जाता है एक सर्कुलर शेप में, उसके बाद उसको टेस्टिंग मशीन से उसका कंप्रेशन टेस्ट वगैरह भी करते हैं, ठीक है, तो वो सारे टेस्टिंग के लिए उसको यूज करते हैं। चलिए, यहाँ पर कंक्रीट मिक्स एंड पर्पस, क्या होता है कंक्रीट मिक्स भाई, तो आपने सुना होगा M5, ठीक है, क्या आपको सुना होगा आपने M5, तो M5 का मिक्स प्रपोर्शन क्या होता है, 1:5:10। अब M5 का जो मटेरियल होता है, इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हर जगह यूज नहीं कर सकते, बट अगर आप चाहो तो मास कंक्रीट, जहां पर ढेर सारा काम हो रहा है, ठीक है, जैसे रोड वगैरह में भी आप कर सकते हो, ठीक है, मास कंक्रीट एंड हैवी वॉल्स है, तो उसमें आपको क्या करोगे, वहां पर M5 का सही है ना रेशियो, तो हैवी वॉल्स में, फाउंडेशन में, फुटिंग में भी आप यूज कर सकते हो M5 का, बट छोटा स्ट्रक्चर है तो अभी तो आप सबको पता होगा कि ये सीमेंट है वन, और ये क्या है आपका, ये आपका सैंड है, और ये क्या है आपका, ये आपका एग्रीगेट है, तो ये रेशियो याद रखना। और उसके बाद M7.5 का भी रेशियो निकाला जाता है, उसका रहता है 1:4:8, क्या रहता है, 1:4:8, तो ये कहाँ पर यूज कर सकते हो, प्लस M10 भी रहता है 1:3:6, तो इनको यूज कर सकते हो मास कंक्रीट एंड फाउंडेशन ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, मतलब अगर आपका फाउंडेशन इतना काम का नहीं है, ठीक है, करेक्ट, पीसीसी, तो इतना काम का नहीं है तो पीसीसी लेयर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। और इसके बाद है M15, M15 क्या है, M15 आप अपने बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बट इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है 1:2:4, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं होता है बट आप G+2 के स्ट्रक्चर को इसे बना सकते हो। तो देखो लिखा है फॉर जनरल आरसीसी वर्क, ठीक है, जैसे स्लैब, बीम, कॉलम एक्सेट्रा, जिसे आप अपने घरों में यूज कर रहे हो, तो घरों में भी कई मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्टर M15 ही यूज कर लेते हैं, जो छोटे कॉन्ट्रेक्टर होते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद M20, M20 क्या होता है, 1:1.5:3, तो इसमें आपका क्या क्या होता है, जैसे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे KSPT टैंक वगैरह भी बनाना है, पाइल भी क्रिएट करना है, पाइल्स वगैरह, या फिर जनरल आरसीसी स्ट्रक्चर, मतलब बिल्डिंग भी आप इसे बना सकते हो, ठीक है। और लास्ट है आपका M25, M25 का रेशियो क्या होता है, 1:1:2, ठीक है, ये आप हैवी स्ट्रक्चर्स पे यूज कर सकते हो, हैवी लोडेड आरसीसी, ठीक है, हैवी लोडेड आरसीसी मतलब कि G+5, G+6, करेक्ट, हाँ करेक्ट, इन्होंने बोला है SMRF, मतलब होता है स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, वो बिल्डिंग जिसमें क्या बोलते हैं, जो स्पेशल हो, जिस पर लोड ज्यादा आ रहा है, उसमें आप कर सकते हो M25। अब पता चला आपने अपनी बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, अपनी बिल्डिंग के लिए आप G+1 यूज कर रहे हो, तो भाई G+1 में अगर M25 का मटेरियल यूज कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हो, क्यों, आपका कॉस्ट बढ़ेगा, जरूरत ही नहीं वहां पर, वहां पर आपका काम हो सकता था M20 पे भी, ठीक है जी। चलिए, इन्होंने बोला है कि सर पाइल फाउंडेशन के लिए कौन सा सॉइल टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, सॉइल टेस्ट कौन सा करना पड़ता है, मतलब देखो सॉइल टेस्ट तो हमें वहाँ पाइल फाउंडेशन में क्या होता है कि वहां पे हमें टेस्ट तो हमारा सेम ही रहता है हर एक का, ठीक है, अलग अलग टेस्ट अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, बट पाइल फाउंडेशन के लिए जो यूज करना चाहिए, उसमें यूज करना चाहिए कि आपको अगर प्लेट लोड टेस्ट कर रहे हो तो ज्यादा बेटर है, कि प्लेट लोड ने प्लेट तो उसके लिए राफ्ट के लिए करना अच्छा रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या रहता है, उसमें लोड पर्टिकुलर लगा के फिर देखा जाता है कि प्लेट डाल के देखा जाता है कि क्या इसका रिएक्शन होगा, ठीक है, और डिपेंड ऑन SPC व्हाट शुड बी यूज, ठीक है, डिपेंड SPC जो होता है, SPC, हाँ ठीक है, वो देखा जाता है कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से है, ठीक है, SBC हमारा, तभी हमें पता चलेगा ना कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। अब अगर हमारा स्ट्रक्चर हैवी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हमें फिर वहां पर देखना पड़ेगा ना कि SBC क्या है, उसके हिसाब से फाउंडेशन यूज करना पड़ेगा, पता चला
कि आपका जो स्ट्रक्चर है बहुत हाई राइज है, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर बहुत हाई राइज है, ठीक है, जी प्लस 10 है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन आपने यूज कर लिया वहां पर आइसोलेटेड फूटिंग और सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी भी कम है, तो क्या हो गया, इसे बोलते हैं कि सब गड़बड़ कर दिया, क्यों, क्योंकि जी प्लस 10 था, ठीक है, तो जी प्लस 10 के लिए वैसे तो आपने गड़बड़ कर रखा है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा यूज कर रखा है स्ट्रक्चर और उसमें आपने आइसोलेटेड किया है, तो फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसके अंदर, तो वो नहीं करना चाहिए, पहले हमें चेक करना चाहिए कि वहां पर एसबीसी क्या है, उसके हिसाब से हमें उसका रिजल्ट देना चाहिए, ठीक है जी। चलिए यहां तक में किसी को कुछ और डाउट है पूछ सकते हो, कुछ डाउट है किसी को, नहीं, चलो आगे चले फिर। When we need to go, okay, ठीक है। When we need to go for design mix, हाँ, इसके बाद design mix के लिए जाना पड़ता है जब आपका structure बहुत high rise हो, ठीक है, और आपका M25 पे structure fail हो रहा है, काम नहीं हो रहा आपका M25 पे, और अब आपको जो कॉलम का आपका साइज है वो आप एक्सट्रीम साइज पे पहुंच चुके हो, कहाँ पे पहुंच चुके हो, एक्सट्रीम साइज पे पहुंच चुके हो, तो आप कॉलम का साइज अब बढ़ा नहीं सकते हो, क्या कर नहीं कर सकते हो, आप कॉलम का साइज बढ़ा नहीं सकते हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो, उस केस में प्रोपोर्शन को बढ़ा सकते हो, तो मिक्स प्रोपोर्शन को बढ़ाने के लिए वहां पर मिक्स डिजाइन को करना पड़ता है। बिल्डिंग में M25 तक मैक्सिमम काम हो जाएगा, ब्रिज वगैरह के लिए M60 M80 तक भी डिजाइन करते हैं, ठीक है, ब्रिज वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए सर, हाउ टू डिफाइन व्हिच टाइप ऑफ फुटिंग यूज एट इन द साइड, ये आगे बताऊंगा नितेश, ये आगे का टॉपिक है, और क्या बोलते हैं कि विच टाइप ऑफ फुटिंग्स वी यूज फॉर वेयर, ठीक है, अभी फाउंडेशन का टॉपिक आ रहा है पूरा हमारे पास, तो उसमें बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास थ्योरी बहुत रहता है, तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले हम लोग वहां से समझेंगे कि क्या क्या हमें आना ही चाहिए, ठीक है, तो बेसिक ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, यानी स्ट्रक्चरल एलिमेंट का बेसिक्स हमको जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सा हमारा बेसिक है, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो रहा तो नहीं गया, ठीक है, एक इनका शायद क्वेश्चन रह गया, प्रदीप का रह गया क्या, प्रदीप बोल रहे हैं कि सर पाइल फाउंडेशन के लिए कौन सा सॉइल टेस्ट करना पड़ता है, देखो किसी फाउंडेशन के लिए स्पेशल टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट ढेर सारे हैं, ठीक है, मतलब किसी की डायरेक्ट सीयर टेस्ट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, उसमें होता है कि कौन सा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सीयर जो होता है वो क्या बोलते हैं ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो डायरेक्ट सीयर टेस्ट से कर सकते हो, दूसरा आपने एसपीटी सुना होगा बहुत फेमस है, ठीक है, स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट, उसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद होता है कोन, कोन यूज करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन टेस्ट पढ़ा होगा आपने, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है, उसके बाद ट्राई एक्सियल टेस्ट करते हैं, तो आपको टेस्ट वहां पर देखना है कि हमारे पास कौन सा अवेलेबल है उसके हिसाब से करते हैं, और सबसे अच्छा जो मतलब कॉमन यूज करते हैं वो एसपीटी टेस्ट करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट, ठीक है, इससे मैक्सिमम का आ जाता है। एक साइट में मिनट मतलब पानी। अगर टेस्ट करेंगे तो वही पूछ रहा हूँ कि मतलब साइट में कौन सा टेस्ट करना करने से ये पड़ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ पे पाइल होगा या राफ्ट हो करने से ज्यादा अच्छा होगा। साइट पे तो देखो क्या होगा कि सॉइल को रिप्लेस करके देख सकते हो, एक उसको वेन करके आता है उसको भी आप कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं वेन सीयर टेस्ट, तो एक कॉमन निकाल सकते हो बट डॉट नहीं आ सकता, बट वेन सीयर टेस्ट क्या होता है कि वो आप कहीं पे भी खड़े होकर कर सकते हो, ऐसा रहता है उसमें, VANE, वेन वेन होता है वेन सीयर टेस्ट, उसको हम कर सकते हैं साइट पे, फिलहाल हमको साइट पे नहीं, पहले हमें करना चाहिए टेस्ट को लेबोरेटरी में करोगे तो ज्यादा बेटर होता है, बट करना है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है, क्यूब क्यूब फॉलिंग टेस्ट ऑन साइट, हाँ वही क्यूब फॉलिंग टेस्ट ऑन साइट वो जो करते हैं वो वेन टेस्ट ही होता है मेरा, ठीक है, सॉइल टेस्ट 24 kg/cm आया तो इसको कैसे ऐसे? आगे एसबीसी पूरा बताने वाला हूँ, एबीसी, ठीक है, तुम्हारा नाम एबीसी आ रहा है, पूरा नाम लिख दो अपने उसमें, तो आगे हम लोग सॉइल का टेस्टिंग पूरा पढ़ने वाले हैं, कैसे रिपोर्ट पढ़ेंगे ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, रिपोर्ट क्यू फॉलिंग टेस्ट करें, ठीक है, तो हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एसबीसी का रिपोर्ट हमारे पास रिपोर्ट रहेगी,
उसको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम उसको रीड करेंगे। ओके जी, अब हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से और उनके क्या क्या रोल्स रहते हैं, एलिमेंट्स के क्या क्या रोल्स रहते हैं जो हमें जानना ही जानना चाहिए। जैसे कि आपको शियर फोर्स सुना होगा, बेंडिंग मोमेंट सुना होगा, आप सबने, सभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो सबको पता है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा तो उसको अगर नहीं समझ आएगा तो बताना। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड, मैंने पहले ही बताया था कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, साइन कन्वेंशंस, एग्जांपल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स और टाइप्स ऑफ स्लैब, ये टारगेट है इस पीपीटी से आपको सीखने का। ठीक है, तो जैसे कि सिंपली सपोर्टेड सबने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पर ए बीम सपोर्टेड फ्रीली ऑन द वॉल्स और कॉलम्स एट इट्स बोथ एंड्स इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या हो रहा है, अगर हमारे कॉलम पे कोई फ्री बीम हमारे पास जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम में, अब ये थ्योरी आप थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा थ्योरी पढ़ने का। तो एक साइड से अगर आपको वो फ्री हो रहा है, ठीक है, और ऐसे कुछ आपका सेप आ रहा है तो क्या हो गया, ओवरहैंगिंग बीम्स हो गया। ठीक है, अब डबल ओवरहैंगिंग हुआ तो क्या होगा, इधर भी वो फ्री हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डबल ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे। कैंटिलीवर बीम आपको पता होगा कि वन साइड फिक्स है, ठीक है, तो वन साइड फिक्स अगर रहेगा तो क्या उसको बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। और ये होता है फिक्स बीम जो कि दोनों साइड से क्लोज होता है। ठीक है, अ बीम विद हुज बोथ एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड इज नोन एज गलत लिख दिया यहाँ पे, फिक्स बीम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे, फिक्स बीम। ओके, नेक्स्ट है कंटीन्यूअस बीम। कंटीन्यूअस बीम क्या होता है, बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट इज नोन एज कंटीन्यूअस बीम। ठीक है, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, कंटिन्यू होता चला जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे उसको। ठीक है, अब लोड आप सबने देखा होगा, सबने थोड़े बहुत लोड अलग अलग सॉफ्टवेयर पर सीखा भी होगा लगाना। ठीक है, तो लोड कौन कौन से होते हैं, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड जिसको आप बोलते हो। तो पॉइंट लोड कुछ इस तरीके से होता है आपका, अगर कहीं एक जगह पे सपोज आपके बिल्ड आपका बीम है, उस बीम के ऊपर टावर लग रहा है, क्या लग रहा है, टावर लग रहा है, तो उसका टावर का लोड कहाँ पे आ रहा है, आपके बीम पे आ रहा है, तो क्या हो गया, वो पॉइंट लोड जनरेट कर रहा है वहां पे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन द लोड इज एक्टिंग ऑन द रिलेटिवली स्मॉल एरिया इट कंसिडर एज द पॉइंट लोड ऑन द कंसिडर्ड लोड। ठीक है, किसमें कैलकुलेट करना है इसको, किलो न्यूटन में कैलकुलेट करेंगे अपने पॉइंट लोड को। और एक होता है यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपका जो वॉल होता है, वॉल का जो लोड होता है कैसा होता है, कॉमन जाता है ना। अब यहाँ पर वॉल रहेगी 9 इंच की, यहाँ पर 6 इंच, कैसे तो होगा नहीं। ठीक है, करेक्ट, मेंबर लोड, वेरी गुड। तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर मेंबर लोड, स्टेट को की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, और ईटीएफ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, अब यूडीएल का जो लोड कैलकुलेट किया था किसमें किया था, किलोमीटर पर मीटर में किया जाता है, किसमें, किलोमीटर पर मीटर में। इसमें कोई कंफ्यूजन, एक दिन कोई लड़का पूछ रहा था कि हाँ, एक लड़का मुझे कमेंट कमेंट किया उसमें चैट बॉक्स से पूछ रहा था, व्हाट्सएप पे क्या पूछ रहा था वो, उसका क्वेश्चन था कि सर क्या बोलते हैं, हमारा जो लोड है, मतलब पता नहीं कैसे क्वेश्चन बना रहा था वो, बट उसका क्वेश्चन ये था कि सपोज सर आपने एक वीडियो में बताया हुआ है, उसने शायद वीडियो कोर्स देखा था अपना, तो अपने एक वीडियो में बताया हुआ है कि लोड जो होता है वो 2 किलोन्यूटन रेसिडेंशियल के लिए, 4 किलोन्यूटन कॉमर्शियल के लिए। तो आपने उसमें बोला कि ठीक है, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल, हमने रेसिडेंशियल का हमने आइडिया लगा लिया कि मान लीजिए 10 लोग होंगे बिल्डिंग में, हमने बोला हाँ जी मान लो, आइडिया लगा लो। फिर उसने बोला कि क्या बोलते हैं सर, अगर 10 के जगह पे 100 लोग होंगे तो उसके लिए लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा अच्छा और आगे बताओ, तो उसने बोला कि सर अगर 200 उसमें अगर 200 लोग हो जाएंगे तो, या फिर 1000 लोग हो गए तो, अगर 1000 लोग हो गए तो हमारा लोड कैसे डिजाइन होगा। ठीक है, तो आप सब में से कुछ लोगों को भी कंफ्यूजन हो सकती है कि 1000 लोग हो गए तो कैसे होगा, बट 1000 लोग होंगे क्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है कि बिल्डिंग का एरिया कितना, उसके हिसाब से ही तो लोग होंगे। ठीक है, फैक्टर विल इंक्रीज, हाँ, लेकिन आपका जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में एक स्पेसिफिक स्पेस है ना। सपोज अभी 10 बाई 10 का रूम है, ठीक है, उस पर कितने लोग खड़े हो सकते हो, 1000 लोग खड़े हो सकते हो क्या। आप बोलोगे नहीं सर, 1000 लोग की जगह ही नहीं होती है। करेक्ट, बहुत हो गए तो 10 लोग खड़े हो गए, 20 लोग खड़े हो जाओगे, ऐसा तो नहीं खड़े हो गए 10 बाई 10 के रूम पे। करेक्ट, तो जो हम लोड लगाते हैं इसमें, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ इसको समझो, जो हम लोड लगाते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है, क्या लगाते हैं, 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जो स्लैब का लोड लगाते हैं कैसे लगाते हैं, 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम पूरे बिल्डिंग पर कितना लोड लगा रहे हैं, ऑलरेडी हम ज्यादा लगाते हैं ना, 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर में 2 किलोन्यूटन का लोड क्या रहता है क्या आपके बिल्डिंग में, आप चेक करो, आप जहां पर बैठे हो वहां पर 2 किलोन्यूटन का लोड आप दे पा रहे हो क्या। ठीक है,
केजी में लोड दे रहे हो, वो भी 50-60 केजी का, ठीक है। तो इसलिए जब आपका लोड बढ़ेगा तो ऑलरेडी एरिया भी इंक्रीज होगा, जब एरिया इंक्रीज होगा तो सेम लोड आएगा हमेशा। अगर नहीं समझा तो बता देना, बता दूंगा फिर से अगर ये डाउट किसी को रहा। चलिए, तो कुल मिलाकर इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर है किलोमीटर पर मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मीटर जैसे जैसे स्पेस बढ़ रहा है, यूडीएल आपका बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। चलिए, एक होता है यूनिफॉर्मली बैरिंग लोड, ठीक है, यूनिफॉर्मली बैरिंग लोड, ठीक है। ऐसा आपको कभी कभी वॉल लोड में आपकी बाउंड्रीज वगैरह आप देखोगे तो छोटी बाउंड्री से भी धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी बाउंड्रीज अलग अलग हो रही है। कभी कभी एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ऐसे लोड मिलेंगे, ठीक है। अ लोड विच इज स्प्रेड ओवर द बीम इन सच अ मैनर दैट इट्स इंटेंसिटी वेरीज द यूनिफॉर्म ईच यूनिट कॉल्ड यूनिफॉर्म बैरिंग लोड। और आप सबने देखा होगा जो सोलर पैनल लगाते हैं, आप सबने सोलर पैनल देखा होगा, सबने सोलर पैनल लगाने के लिए नीचे ट्रस लगाया जाता है, और वो देखा होगा ऐसे शेप में रहता है, मतलब ऐसे सन का लाइट आना चाहिए ना, इसलिए वो ऐसे स्ट्रेट जाता है और फिर ऐसे आता है, राइट। आप सबने देखा होगा ना सोलर पैनल आपका लगा होता है ऐसे, ऐसे बेंड हुआ रहता है सोलर पैनल यहाँ पर लगता है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे तो सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं आएगी, बट ऐसे रखोगे तो ज्यादा रोशनी जाएगी। तो उसे क्या होता है, उसके नीचे ट्रस डिजाइन किया जाता है, वो ट्रस एक बीम के ऊपर ही रहेगा या फिर स्लैब के ऊपर रहेगा, बट रहेगा क्या, वो यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड रहेगा वो, मतलब स्टार्टिंग में ट्रस छोटा रहेगा फिर धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। चलिए, ये होता है टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब कभी कभी लोग सपोर्ट और बीम को बीम के टाइप और सपोर्ट के टाइप में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, करेक्ट, नॉर्थ लाइट ट्रस, करेक्ट। तो क्या बोलते हैं, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड में, मतलब कि लोड्स के टाइप में और साथ ही साथ सपोर्ट के टाइप पे और बीम के टाइप पे। तो याद रखना बीम का टाइप अलग है, सपोर्ट का टाइप अलग है, सब कितनी अलग अलग दुकानें हैं, ठीक है जी। चलिए, तो बीम्स इज फ्रीली सपोर्टेड ऑफ द सपोर्ट, मतलब इस तरीके से फ्री, ठीक है, देयर इज नो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन बिटवीन द बीम्स एंड सपोर्ट, ओनली वर्टिकल रिएक्शन कैन बी डेवलप एट द सपोर्ट, केवल वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं लोग सिंपली सपोर्ट। हिंज सपोर्ट आप सबने पढ़ा होगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाते हैं आपके, 1 2 3, तो ये हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट इज टू सपोर्ट एट द एंड, बीम कैन रोटेट अबाउट द हिंज, वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैन डेवलप एट द सपोर्ट, इसमें वर्टिकल भी रिएक्शन मिल सकता है और हॉरिजॉन्टल भी मिल सकता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंज सपोर्ट बोलते हैं, जिसको आप लोग सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में पिन सपोर्ट के नाम से आता है, जो पिन सपोर्ट होता है वो यही हिंज होता है, ठीक है। और ये आपने फिक्स सपोर्ट आपने सबने सुना होगा, ठीक है, फिक्स सपोर्ट तो हर एक बिल्डिंग के अंदर होता है। एंड ऑफ द बीम इज रेडली फिक्स और बिल्ट इन वॉल, ठीक है, बीम कैन नॉट रोटेट एट द एंड, बीम रोटेट नहीं किया जाता है एंड पे, तो उसके हम क्या बोलते हैं फिक्स, क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और वर्टिकल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैन बी डेवलप एट द सपोर्ट, ठीक है, मोमेंट, मोमेंट भी होता है इसके, ठीक है, इसलिए वो बिल्डिंग के अंदर क्या करते हैं, मोमेंट देखते हैं, वर्टिकल के लिए फोर्स देखते हैं और हॉरिजॉन्टल के लिए देखते हैं। इसके बाद रोलर का आपने सबने नाम सुना होगा, ठीक है, रोलर देखा भी होगा ब्रिजेस वगैरह में, तो एक तरफ कंपलसरी हो जाता है रोलर लगाना, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन केवल यहाँ जाता है। बीम इज हिंज टू सपोर्ट एट द एंड, रोलर आर प्रोवाइडेड बिलो द सपोर्ट, एंड ऑफ द बीम कैन मूव द ऑन द रोलर, ओनली वर्टिकल रिएक्शंस आर नॉर्मली डन ऑन द रोलर, ठीक है। तो ये रोलर होता है। एक होता है शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स क्या होता है भाई, सबने कॉलेज में बहुत पढ़ लिया शियर फोर्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत आसान करके लैंग्वेज को लिखी हुई है। क्या है शियर फोर्स, क्या होता है, इट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द कट सेक्शन अलोंग द स्पैन ऑफ द बीम, ठीक है। आपको अलग अलग डिफिनेशन कॉलेज में आती होंगी, रटी होंगी आपने, तो आपका जो डिफिनेशन है वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने क्या रटा हुआ है, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड शियर फोर्स, ठीक है। तो आपको जो डिफिनेशन रटी है, कोई ना कोई एक डिफिनेशन आपको आनी चाहिए जो कि अल्जेब्रिक सम को रिप्रेजेंट करे, दैट्स इट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। बेंडिंग मोमेंट में भी अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट हमारा रिक्वायरमेंट है, आपको जो डिफिनेशन रटना है रटो, बट अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट आपको याद रखना पड़ेगा बस, इट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, और ये क्या है, इट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, बस यही एक लाइन है जो पूरा रिप्रेजेंट करती है शियर फोर्स को और पूरा रिप्रेजेंट करती है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट, क्लियर है जी, ठीक है। हाँ, कंफ्यूजन होती है यूनिट में, भाई यूनिट न्यूटन और किलोन्यूटन कैलकुलेट करते हैं जनरली, ठीक है,
आपको जो लोड मिलेगा अप्रोक्स बिल्डिंग का ज्यादा ही रहता है तो किलोमीटर में ज्यादातर लोड मिलेंगे आपको, और बेंडिंग मोमेंट किलोमीटर पर मीटर में आपको मिलेंगे। ठीक है, आप सबने देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, साइन कन्वेंशन। द शियर फोर्स इज पॉजिटिव इफ इट टेंड टू रोटेट, ठीक है, रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपका ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, टेंड टू रोटेट द बीम सेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट इन साइड ऑफ द बीम सेक्शन। ठीक है, पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर वो चल रही है, रोटेट करने का प्रयास कर रही है, मतलब सफलता चढ़ने की कोशिश कर रही है, तो क्या भाई वो शियर फोर्स है वो। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव इफ टेंड टू वेंड, ठीक है, अगर वेंड होने की कोशिश करे तो पॉजिटिव एनएम आ रही है। द बीम सेक्शन कॉनकेव फेसिंग द अपवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हर कोई चाहता है ना कि हम आगे बढ़ेंगे, तो ये आगे बढ़ने की जब कोशिश करे तो क्या हो गया, ये कॉनकेव फेसिंग अपवर्ड हो गया, और इफ इट टेंड टू पुट द टॉप ऑफ द बीम इट कंप्रेशन और बॉटम ऑफ द बीम टेंशन, मतलब कुल मिला के ये ऊपर उठने का प्रयास करे तो क्या हो गया, आपका मोमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है और कॉनकेव फेस बना रहा है, तो क्या है ये यहाँ पर मोमेंट का वो है। ठीक है, अब एक यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ, क्या बोलते सीयर फेल्योर, और क्या बोलते दूसरा अपना था फ्लेक्जर फेल्योर। ठीक है, तो जो फ्लेक्जर फेल्योर, जो सीयर फेल्योर होता है वो अचानक से ब्रेक करता है, सपोज यहाँ पर लोड आ रहा है, लोड आ रहा है, अचानक से क्या हुआ, कट हो गया, कहीं से भी अचानक से ब्रेक हो गया पूरा का पूरा पार्ट, तो सीयर फोर्स होता है वो अचानक से हो जाता है, बट बेंडिंग मोमेंट धीरे धीरे मोमेंट जनरेट करती है, धीरे धीरे मोमेंट जनरेट करती है। मान लो कि आपके पास एक वो है, कोई एक मशीन है, ठीक है, जो कि दिन भर वाइब्रेट करती है, वो देखा है क्या, जो मसाज वाली मशीन होती है, जो हेड मसाज वगैरह करवाया होगा आप लोगों ने, ठीक है, वाइब्रेट करके सिर पे और ऐसे करते हैं ना वाइब्रेशन से, ठीक है, अगर उसी वाइब्रेशन को आपके बॉडी पर कंटिन्यूअस 24 घंटे ऐसे चलाते रहे, ठीक है, उसी मशीन को 24 घंटे आपके बॉडी पर चलाते रहे, तो क्या होगा, वो आपको वाइब्रेट करता देखा दिखाएगा ना, मोमेंट करता आपके अंदर, मोमेंट चलाता रहेगा ना, मोमेंट करता रहेगा ना आपके अंदर, तो वो मोमेंट क्या हो रहा है, वो ज्यादा मोमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी हिलती नहीं है, ठीक है, मोमेंट आपके बॉडी में है, ठीक है, अगर मोमेंट नहीं होगा तो आप एक जगह बैठ जाओगे, ठीक है, लेकिन अब जब उसी वाइब्रेटर को यूज कर रहे हो, मतलब मोमेंट आप कंटिन्यूअस जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी स्किन में थोड़ी थोड़े क्रैक डेवलप होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, थोड़े थोड़े क्रैक डेवलप होने लगेंगे। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कई लोगों की बॉडी में, ठीक है भाई बिल्कुल अपना वो बंद कर दिया यार कैमरा, चलो ठीक बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो क्या हो गया, वो एक तरीके से क्रैक डेवलप होने लगेगा अगर कंटिन्यूअस उस वाइब्रेटर को यूज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हो सकता है वो फेल्योर के कंडीशन में भी आ जाए। और सीयर फेल्योर क्या है, सीयर फेल्योर ये है कि आप 60 केजी का लोड लेके जा रहे हो कंटिन्यूअस, ठीक है, 60 केजी का लोड कंटिन्यूअस लेके जा रहे हो, कंडीशन है कि कभी ऐसा कंडीशन आया कि पहाड़ पर आप जा रहे हो 60 किलोमीटर, आपको नीचे जमीन पर तो प्रैक्टिस है आपकी, पहाड़ पे नहीं है, लेके गिर गए, तो क्या हो गया, सीयर फेल्योर हो गया ना आपका। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका बिल्डिंग से क्या लेना देना है, इसका बिल्डिंग से लेना देना ऐसा है कि जब बिल्डिंग में क्या बोलते हैं, बिल्डिंग को आपने एक वर्टिकल फोर्सेस के लिए तैयार किया था कि भाई अगर ऊपर से कोई लोड आएगा तो सीयर अपना झेल लेगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हॉरिजॉन्टल से अर्थक्वेक आया, क्या आया, अर्थक्वेक आया, और आपने तो उसकी प्रैक्टिस किसके लिए दी थी, प्रैक्टिस जमीन पे चलने के लिए, मतलब वर्टिकल के लिए किया था, हॉरिजॉन्टल आया लेके नमस्ते हो गया, उसको क्या बोलते हैं सीयर फेल्योर, क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आगे दिखाऊंगा क्योंकि पहले एक बार इंट्रोड्यूस कर दूंगा फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, इसका सीयर फोर्स का एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एक बेंडिंग मोमेंट का भी, डिफ्लेक्शन का भी दिखाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल सब कर लूंगा, बट पहले सबको इंट्रोड्यूस कर दूं। तो इसमें हमारा एम था सिर्फ और सिर्फ सीयर, क्या बोलते हैं, हमारा ये जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स होते क्या है उनको देखना, तो इसको आपको घर पे फिर से बैठ के पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला इसमें पूरा थ्योरी रहता है, इसलिए आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक इम्पोर्टेंस है जो कि आपको बताएगा कॉलम के टाइप्स को। ठीक है, कई लोगों को पता होगा कॉलम के टाइप क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी पहले से बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो बस उनको याद रख लो, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिजाइन के टाइम पे मुझे हेल्प हो जाएगी उससे। टाइप्स ऑफ बीम सीयर फॉर बेंडिंग मोमेंट तो आपने अभी भी देख लिया। ठीक है, उसमें एक टॉपिक नहीं है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉलम। ठीक है, यही हमें देखना है बीम, अभी अभी हम लोगों ने देखा इसको, आप चाहो तो इससे भी देख लेना, इसके भी इमेजेस आपको क्लियर हो तो, सीएफओ बेंडिंग मोमेंट इसमें भी है, ये हमें पढ़ना है, ये उसमें नहीं था। इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम क्या होता है,
कॉलम इज अ वर्टिकल कॉम्प्रेसिव मेंबर विच ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्लैब बीम टू फुटिंग, यही काम होता है उसका। अदरवाइज ये डेफिनेशन भी आप रख सकते हो जो भी आपको याद हो जाए। कॉलम्स किस पे डिपेंड करता है, कॉलम्स चार टाइप के शेप पे डिपेंड करता है। वो चार टाइप के शेप कौन कौन से होते हैं, बेस्ड ऑन शेप होता है, एक होता है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, बेस्ड ऑन लोडिंग, बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो इतने टाइप्स के कॉलम है और इनके सब टाइप्स बहुत ज्यादा है, आइए देखते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पर बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ शेप अगर देखो तो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, एल टाइप, टी टाइप, वी टाइप, हेक्सागन, आर्च, वाई टाइप विद कॉलम विद आर्च, ठीक है। ये मुझे याद हो गया है, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे याद हुआ, तो मेरे कैसे याद हुआ था, मैंने बार बार इसकी प्रैक्टिस की थी और ऐसे लिख लिख के याद कर लिया था, मुझे सारा याद है। बट अभी आपको कैसे बता सकता हूँ, इसलिए पीपीटी के माध्यम में। प्रदीप बोले कि पीपीटी सेंड कर दीजिएगा सर क्लास के बाद, नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद से बनाइए पीपीटी, आप मेरी रिकॉर्डिंग को देखिएगा और उसको देख के पीपीटी बनाइएगा, मजा आएगा ना, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, एल टाइप, टी टाइप, ये सारे टाइप के कॉलम है, जिसमें से आप यहाँ पर देखो ये वाई टाइप है और ये क्या है, वाई टाइप विथ आर्च है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई टाइप जो होता है ये कहाँ पे यूज होता है, आप सबने देखा होगा ये सब जहाँ पर रेलवे लाइन वगैरह जाती है या फिर जो भी ब्रिजेस वाटर के अंदर से जा रहे हैं उस पे ज्यादातर इसको यूज करते हैं। अब लोग सर इसको मेट्रो में क्यों यूज नहीं करते, क्वेश्चन माइंड में आया कि नहीं कभी, अगर नहीं आया तो गलत है यार, आना चाहिए। मेट्रो में कभी क्यों नहीं यूज करते, ठीक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग वेट, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, इन्होंने सही बोला कि बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग वेट, ठीक है। अगर हम लोग इसको मेट्रो में करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसके नीचे एक वेल फाउंडेशन होता है जो कि सर्कुलर होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वो अगर ले लेंगे तो आपके सरों में, अगर आपका ट्रेन चल रहा है, ठीक है, तो सरों में क्या होगा, उसकी फुटिंग कहाँ तक आएगी, अप्रॉक्स यहाँ तक आएगी। और मेट्रो क्या होता है, मेट्रो सिटी के बीच से आती है, अगर उसकी फुटिंग यहाँ तक आई तो फिर तो ले डूबे हम, ठीक है। प्लस मेट्रो में क्या होता है कि मेट्रो में सर्विस स्टेशन भी आपको बीच में प्रोवाइड करना पड़ता है, तो अगर इस तरीके से देंगे तो उसको ज्यादा कैंटिलीवर निकाल सकते हो, और कैंटिलीवर निकालने से क्या होगा, देखा होगा आप लोगों ने सर्विस स्टेशन होते हैं बीच बीच में, ठीक है, अगर देखा है तो। मैं तो इसके ऊपर चला हूँ, दूसरे मैंने देखा था कि एक बार की बात बताता हूँ आप लोगों को, मैं कॉलेज में था तो एक रेलवे का जो पहले का होता है ब्रिज होता है रेलवे का, वो रेलवे का ब्रिज दिखाता हूँ आपसे, बहुत खतरनाक था वो ब्रिज। तो उस ब्रिज में वो पूरा ब्रिज लगभग 1 किलोमीटर का था, कितने किलोमीटर का था, 1 किलोमीटर का रेलवे का ब्रिज था। आप सबको पता है ना, जो लोहे का बनता है, लोहे वाला जो ब्रिज होता है। तो हम लोग कॉलेज टाइम में थे, मैं सेकेंड ईयर में था, तो हमने प्लान किया कि आज इसको हम लोग का एग्जाम खत्म हुआ था, तो एग्जाम खत्म होने के बाद मस्ती होती है, हमने प्लान किया था कि आज हम लोग इस पूरे ब्रिज को उसी जिस पर ट्रेन चलती है उसी पर चल के कंप्लीट करेंगे। और उसमें ऐसा था कि बीच बीच में पूरा का पूरा हॉलो था और नीचे पूरा रिवर था, वो भी यमुना रिवर, जिसमें पानी का कोई क्वांटिटी बहुत लेवल पे क्वांटिटी होता है। तो मतलब पानी में आप गए तो गए, आप नमस्ते हो गए आप। तो फिर हम लोग स्टार्टिंग तो बड़े जोश में चले गए, अप्रोक्स 200 मीटर तक जा चुके थे। अब बैक जाना मतलब बहुत खतरे की चीज है, और नीचे देखे तो हालत खराब, और सामने अभी 800 मीटर और बचा हुआ है। तो लगता था कि या तो बैक जाऊं तो 200 मीटर और जाऊंगा, लगता था कंटिन्यू जाता हूँ। हाँ, स्टील प्लेट ग्रेडर, करेक्ट, तो ओपन वेव ग्रेडर, बहुत खतरनाक था वो। तो फिर हमारी हालत ऐसी खराब हुई थी हम लोग की, किसी तरह से उसको पूरा कंप्लीट किया एक तरफ से दूसरी तरफ तक। ऐसा नहीं है कि वो लोग जाते नहीं है, जो उसके रिपेयरमैन होते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है, और प्लस वो लोग सेफ्टी भी लेके जाते हैं, वो लोग तो जाते रहते हैं, बट हमारे लिए एकदम नया था। तो हमने किसी तरीके से उसको अप्रोक्स कंप्लीट किया था, मतलब कंप्लीट ही कर लिया था। और कंप्लीट कैसे किया था, लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि लेट गए थे और लेट लेट के जा रहे थे, क्यों, लेटनेस से सरफेस बड़ा हो जाएगा, डर कम लगेगा, तो इस तरीके से करके हम लोगों ने कंप्लीट किया था। चलो, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कॉलम, और इसको देख के याद आ गया वो। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट के तरह से देखा जाए तो तीन टाइप्स के कॉलम होते हैं, एक होता है टाइट कॉलम, एक होता है स्पाइरल कॉलम, एक कंपोजिट कॉलम, ठीक है। तो ये टाइट कॉलम तो आप सबने देखा होगा जो अभी आपके पास होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है, और एक सर्कुलर स्पाइरल कॉलम भी आप सबने देखा होगा। टाइट में मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने होते हैं, 4 याद रखना, स्पाइरल में कितने होते हैं, 6 याद रखना, और ये होता है कंपोजिट। क्या होता है कंपोजिट, अब आप सबने सुना होगा यार, कंपोजिट कॉलम सुना है सर, लेकिन पता नहीं क्या होता है। तो कंपोजिट कॉलम होता है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, करेक्ट, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम यूज करते हैं, आप बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हो अगर ऐसी जगह पे सिचुएशन है। उसको यूज क्यों करते हैं पहले जानो, जैसे कि आप लोग अगर मान लो कि जहाँ पर सीप वगैरह रुकती है, क्या हार्बर बोलते हैं ना, हार्बर, तो जहाँ पर सीप वगैरह रुकती है, अगर वहां पर अगर आप केवल केवल कंक्रीट का कॉलम लगा देंगे सीप को रोकने के लिए, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा,
तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, स्टील का कॉलम डालना पड़ता है। अब स्टील का कॉलम डालोगे और वहां पर समुद्र का वाटर है, ठीक है, वो तुरंत ही खत्म कर देगा, कोरोजन लग जाएगा, चाहे जितना बड़ा एंटी कोरोजन पेंट डालते रहो, ठीक है। तो उसको सेफ रखने के लिए स्ट्रेंथ तो चाहिए मुझे आई सेक्शन से, तो सेफ रखने के लिए कंक्रीट का कॉलम लगा दिया जाता है कुछ इस तरीके से। तो दोनों मिलके स्ट्रेंथ देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट कॉलम। क्या बोलते हैं? कंपोजिट कॉलम। इससे बिल्डिंग भी बनाई जाती है, ऐसा नहीं बिल्डिंग नहीं बनाया जाता, बट रेयर बिल्डिंग मतलब कम बिल्डिंग बनाई जाती है। और कंपोजिट कॉलम से अगर कोई मेंबर आपका फेल कर रहा है तो आप कंपोजिट कॉलम से भी उसका मेंबर को तैयार कर सकते हो और उसको पास कर सकते हो, कम स्पेस में ज्यादा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद होता है आपका एक्सेल लोडेड कॉलम, इसेंट्रिक कॉलम, ठीक है। जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर जब डिसाइड करता है, सॉफ्टवेयर जब डिजाइन करता है तो बाई एक्सेल से करता है। किससे करता है? बाई एक्सेल से करता है। बाई एक्सेल मतलब होता है मतलब कि लोड इज कमिंग फ्रॉम टू साइड बट नॉट इन सेंटर। कभी भी सेंटर पे पूरा प्रॉपर लोड नहीं आता आपके स्ट्रक्चर पे। अगर आता है तो उसको बोलेंगे एक्सियल लोडेड कॉलम। आता है बट रेयर रहता है वो, उसको बोलेंगे एक्सियल लोडेड कॉलम। और अगर वन साइड से आ रहा है बट सेंटर से नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे यूनियन सेल। दोनों साइड से आ रहा है बट सेंटर से नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे बाई एक्सियल कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? बाई एक्सियल कॉलम बोलेंगे। और ये होता है शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम। एलेक्स बाई डी इज लेस देन 12 का रहता है उसका शॉर्ट कॉलम हो जाएगा, ग्रेटर देन 12 रहेगा तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। आप सबने पढ़ा होगा उसको, ठीक है जी। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ कॉलम। क्लियर हुआ? ये उसमें नहीं था इसलिए मैंने इस पीपीटी में बता दिया आपको। और इसके बाद लोड्स, ठीक है। जो लोड वहां पे थे वो सब क्या थे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड था। वो सब किसके भाई थे? किसके बच्चे थे? भाई नहीं, बच्चे थे वो, डेड लोड के ही बच्चे थे। किसके बच्चे थे? वो डेड लोड के बच्चे थे। डेड लोड के अंदर ही वो सारा कुछ आ जाएगा। लाइव लोड क्या होता है? आप सबको पता होना चाहिए। मूवेबल लोड इज कॉल्ड लाइव लोड। आप सब अभी लाइव लोड हो बिल्डिंग पे, आपका टेबल चेयर सब कुछ लाइव लोड है आपके बिल्डिंग पे। और डेड लोड को डिफिनेशन में अगर देखा जाए तो सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेड लोड। मूवेबल लोड या फिर मूवेबल लोड ही जनरली बोलते हैं, लाइव लोड उसको बोलते हैं। विंड लोड के लिए आप सबको पता है, इसके लिए जो आईएस कोड यूज करेंगे कौन सा यूज करेंगे? आईएस 875 पार्ट 1। इसके लिए आईएस 875 पार्ट 2 आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और अच्छा काम करना हो, अगर आप सबको कोई ये दिखाना चाहता है अपना एक्सीलेंट वर्क, तो एक काम कर सकते हो कि आप आईएस 875 पार्ट 1 का शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट की पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। कोई भी, चाहे आप लाइव लोड का ले लो चाहे डेड लोड का ले लो, इससे आपको क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। प्लस विंड लोड है, अभी विंड लोड के लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं? 875 पार्ट वन यूज, सॉरी पार्ट थ्री यूज करते हैं इसके लिए। किसके लिए? विंड लोड के लिए। और स्नो लोड के लिए पार्ट फोर यूज करते हैं, और अर्थक्वेक के लिए पार्ट फाइव नहीं, ठीक है, याद रखना। इसके लिए आईएस 1893/2016 अभी आ गया है अर्थक्वेक लोड के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लोड्स, इंपॉर्टेंट कॉलम, इंपॉर्टेंट उनके टाइप्स, ठीक है। अब इनको आपको आज के आज ही याद करना पड़ेगा, सारे टाइप्स के कॉलम्स को अच्छे से याद करना। मैं सारा कुछ आपको ग्रुप में भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप जब आगे जाओगे तो आप बोलोगे सर ये चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। और जिसको ये तैयार है ना, देखो क्या होता है कि जब हमें कभी भी स्ट्रक्चर तैयार करना है, नो डाउट में G+10 दिखता G+10 है, बट मेहनत कहाँ पे होती है? मेहनत होती है फाउंडेशन पे। अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो G+10 आपका जा ही नहीं सकता है, भूल जाओ, ठीक है। तो अगर ये अच्छा नहीं है तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर आपको लगेगा अरे तो कुछ और ही चल रहा है, हवा में कुछ चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाओ, इसको रटो, और रटो मतलब समझो और याद रखने की कोशिश करो कि कौन कौन से याद है, ठीक है। बिल्डिंग के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो ज्यादा याद रखो, जैसे कि कॉलम बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड्स जो आपने देखा वो बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एम है वो क्या है? बिल्डिंग है। तो जो एम है उस पर काम करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। बिल्डिंग के लिए जो कॉलम यूज करोगे, बिल्डिंग के लिए जो रेनफोर्समेंट यूज होगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कि रेनफोर्समेंट के परसेंटेज क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। रेनफोर्समेंट के परसेंटेज क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए लॉ क्या है, लॉ मतलब आईएस कोड क्या बोलता है, प्लस एक थंब रूल क्या है, ठीक है। आईएस कोड क्या बोलता है, थंब रूल क्या है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसी में हम लोग देखेंगे कि कॉलम क्या रखे हैं, कॉलम के साइजेस क्या क्या रखे हैं। क्यों? क्योंकि साइजेस रखने के बाद ही जब हम लोग डिजाइन करने जाएंगे तो वहां पर वही कॉलम का साइज रख के हम लोग उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। आफ्टर नाइन, हाँ मेरे से कॉल कर लेना आफ्टर नाइन बिलाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आफ्टर नाइन में फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। और तुम्हारा नंबर रहेगा तो मैं ही कर दूंगा, सेव रहेगा तो। चलो जी, और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में, जितना टॉपिक पढ़ाया है इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? कॉलम पढ़ा है, बीम पढ़ा है, सपोर्ट पढ़ा है, ठीक है, लोड्स पढ़ा है, ठीक है।
और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के डिफिनेशंस पढ़े हैं, क्या क्या होते हैं। इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, क्योंकि रिविजन कर लेना। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, बट जो मेरे काम का था मैंने उसको पहले फोकस किया। जैसे कि अभी यहाँ पर सपोर्ट है तो हमने आपको पढ़ा दिया पहले ही, यहाँ पर ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने सेट किए हुए हैं, तो ये जिसको बहुत जो जानने के उत्सुक होगा उसके लिए पीपीटी तो पूरा ही है। तो आप फिक्स सपोर्ट यहाँ पर देख सकते हो, रोलर देख सकते हो, पिन से देख सकते हो, रॉकर देख सकते हो, तो यहाँ पर इमेजेस के थ्रू भी हमने प्रेजेंट कर रखा है, तो आप लोग आके यहाँ पे सर्च कर लेना। ठीक है, ये देखो सिंपल है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है, रोलर है, फिक्स रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर स्लैब के बारे में दिया हुआ है। तो ये पीपीटी आपको मैं भेज दे रहा हूँ, जो मेरे काम का था मैंने आपको बता दिया, जिसको हमें आगे हेल्प लगने वाली है। जिससे तो हम लोग कल परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में पढ़ेंगे, एनफोर्समेंट के बारे में बोलेंगे। थैंक यू जी, राजीव बोल रहे हैं कि नो डाउट सर, नाइस सेशन, वे ऑफ एक्सप्लेन, थैंक यू जी। ठीक है, कोशिश करो कि थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत करो, क्योंकि इसमें ना मैं चाहता हूँ बहुत टॉपिक कवर हो। ठीक है, मैं कभी सिलेबस देख कर नहीं पढ़ाता हूँ, बट मैं सिलेबस से ज्यादा पढ़ाता हूँ। सिलेबस छूटता नहीं है, बट कभी सिलेबस को देखा नहीं मैंने, किसी भी सिलेबस को नहीं देखा मैंने। कोशिश यही किया है कि अपना बेस्ट दूं, क्यों, क्योंकि देखो यार मैं आपको भी यही बोलूंगा, आप किसी इंटरव्यू में जाओ ऐसा दो कि आपका सबसे बेस्ट हो वहां पर। ठीक है, और मैं भी क्लास में जब आता हूँ तो यही सोच के आता हूँ आज कुछ मजेदार करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। ठीक है, सुबह सुबह उठ के मैंने ये पीपीटी बनाई, जो आप लोगों ने पीपीटी देखा पहले वाली, मैंने सुबह सुबह उठ के बनाई इसको, 6 o'clock पे उठा, लगभग आधा घंटा लगा इस पीपीटी को बनाने में, तो पता तो हम मुझे है ही, तो फटाफट टाइप ही करना था, बट जो लगा उसको हम लोगों ने किया। ठीक है, मजा आया हमको करने में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड असीम बोल रहे हैं कि सर, इन बिल्डिंग मेजरली वी फाइंड द फिक्स सपोर्ट, कैन यू टेल वेयर हिंज। ओके, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। वैसे हिंज, और अभी आपने देखा जो हिंजेस लगाते हैं, और बहुत रेयर होता है, करेक्ट, बट स्टील स्ट्रक्चर में हिंजेस आपको काफी मिलेंगे। ठीक है, पिन सपोर्ट स्टील स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा, जैसे वेयर हाउसेस है जो, ठीक है, जो वेयर हाउसेस ऐसे हैं जिनमें हम लोग नीचे ग्रिलेज कोटिंग यूज कर रहे हैं असीम, वहां पर जनरली आप देखोगे तो वहां पर पिन सपोर्ट आपको मिलेगा, बिल्डिंग में नहीं मिलेगा ज्यादा आपको, वहां पर आपको पिन सपोर्ट मिलेगा। अभी मैंने वो जो डायग्राम दिखाया उसमें है, वेयर हाउस में आपको ज्यादा मिलेगा। ये आपका पिन सपोर्ट है, ठीक है, ऐसे जगहों पे यूज करते हैं जहां पर इसको रिलीज करने की जरूरत है। प्लस ब्रिजेस में करते हैं, क्योंकि ब्रिजेस को भी रिलीज करना पड़ता है ना, अगर उसके ऊपर कंटिन्यूअस लोडिंग आती जाएगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ, मेरे दूसरे काम भी स्टार्ट करने हैं। बाय बाय, कल 7:30 सेम टाइमिंग सेम लिंक, आपको रिकॉर्डिंग 1 घंटे बाद मिल जाएगी आपके ग्रुप में, पीपीटी थोड़ी देर में मिल जाएगी।